उस खूबसूरत हीरोइन के पीछे, जब हीरोइन गाना गा रही हैं साथी मेरे साथी, उस दुनिया से इस दुनिया तक तुझे ढूंढने आई साथी मेरे साथी। दोस्तों वीराना फिल्म बॉलीवुड की एक टॉप की हॉरर फिल्म है। अगर 90s के ज़माने की बात करें या आज के भी बात की बात करें, जब हॉरर फिल्मों का नाम आता है और वीराना फिल्म का नाम ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। 34 साल बाद मैं आपको वो लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पर हीरोइन बैठी हुई गाना गा रही हैं और पीछे ये फोर्ट दिख रहा है। दोस्तों ये जो फोर्ट, ये जो आप किला देख रहे हो, इस किले के दोनों बाजू में दोस्तों दीवार डाल दी गई हैं। जासमीन जी की ये वीराना फिल्म लास्ट फिल्म है जहाँ पर उनकी एक्टिंग और उनकी खूबसूरती के सब लोग दीवाने हो चुके थे। उनकी एक्टिंग और उनकी खूबसूरती अंडरवर्ल्ड तक पहुँच चुकी थी और इस फिल्म के बाद वो ना जाने कहाँ पर गायब हो गई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं और कुछ लोगों का कहना है वो हिंदुस्तान छोड़ के किसी दूसरे देश चली गई हैं। लोगों को ये तक नहीं पता है कि इतनी अच्छी एक्ट्रेस ने ये सब क्यों छोड़ दिया। आज उनका पूरे बॉलीवुड की दुनिया में किसी को कुछ अता पता नहीं है। पूरे इंटरनेट की दुनिया से, बॉलीवुड की दुनिया से, पूरे मीडिया की नज़रों से वो आज ना जाने कहां पर हैं। आज उनका कुछ पता नहीं है कि आज के टाइम पर वो कहां पर हैं, किस जगह हैं, किस हाल में हैं। सुनने में आता है कि जासमीन जी अंडरवर्ल्ड तक पहुंच चुकी थी और बहुत सारे लोग उन्हें पसंद करने लगे थे, उनसे मिलना चाहते थे और बहुत कुछ, लेकिन आज के टाइम पर वो कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, किसी को नहीं मालूम है। वो कहां रहती हैं, बॉलीवुड कब छोड़ दिया है, ये उनकी फिल्म लास्ट फिल्म थी वीराना। वीराना फिल्म के बाद वो और किसी भी फिल्म में नज़र नहीं आई और बस वो इस दुनिया से जैसे कोई गायब हो जाता है ऐसे हो चुकी हैं और ना जाने कहां पर चली गई हैं। दोस्तों अगर उनका कुछ भी डिटेल मिलेगा, कहीं घर कुछ उनके बारे में पता चलेगा कि आज वो कहां रहती हैं, कहां हैं, आज कैसी हैं, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फहीम और आज फ़िलहाल मैं हूँ दाना पानी बीच पर। दोस्तों ये जगह मैं आपको दिखाने आया हुआ हूँ। दोस्तों वीराना फिल्म 1988 की है। मैं आज आपको वो बीच दिखाने आया हुआ हूँ जहाँ पर वो कुछ फिल्मों के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों बहुत सारी अलग अलग जगह हैं जहाँ पर अलग अलग सीन रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन उसी में से एक ये बीच है जहाँ पर सीन रिकॉर्ड किए गए थे। दोस्तों उसी फिल्म के अंदर जो 1988 की फिल्म है उसके अंदर जो हीरोइन है उनका नाम है जासमीन, तो वो यहाँ पर आई थी और अब से 36 साल पहले उन्होंने कुछ सीन रिकॉर्ड किए थे। दोस्तों मैं खड़ा हुआ हूँ एक बीच के सामने, आप पीछे एक बीच देख पा रहे हो। बहुत सारे सीन कुछ ऐसे थे जिसमें ये पहाड़ी दिखाई गई है। हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे और उस स्क्रीनशॉट को देख के आप समझ जाओगे कि 36 साल बाद भी इस पहाड़ में और समंदर में कुछ भी नहीं बदला है और ये बदलने वाली चीज़ भी नहीं है। मतलब हम बदल जाएंगे, हम चले जाएंगे, ये जगह ऐसी रहेगी। दोस्तों उसी फिल्म के अंदर एक सीन यहाँ पर लिया गया था। ये जो आप झाड़ियाँ देख रहे हो ना, झाड़ियाँ एक्चुअली वो टाइम पर झाड़ी नहीं थी, क्योंकि आप समझ सकते हो जैसे मैं बताया हुआ हूँ, तो ये सिर्फ खाली पड़ी हुई जगह थी और उधर एक टीला दिख रहा है, एक छोटा सा किला दिख रहा है, वो किला आज भी है, लेकिन वो किला भी सेम टू सेम है। तो जैसे ही मैं आपको वो लोकेशन दिखाऊंगा तो आप करेक्ट समझ जाओगे। तो दोस्तों ये जगह देख सकते हो आप जिसका नाम है दाना पानी बीच, जो मुंबई की एक फेमस बीच है जहाँ पर एक नहीं न जाने कितने सारे फिल्मों के सीन रिकॉर्ड किए गए थे। उसी में से आज हम एक फिल्म आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों जो एक्ट्रेस थी उनकी एक अलग ही एक्टिंग थी, जब उन्होंने एक्टिंग किया था उनकी खूबसूरती और उनकी एक्टिंग ने फिल्म को एक अलग ही रुतबा और एक अलग ही जगह दे दिया था। तो दोस्तों उस फिल्म का सॉन्ग यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए थे इस बीच पर। ये बीच फिल्म के अंदर दिखाई गई है। ये जो आप यहाँ पर झाड़ी खड़ी हुई देख रहे हो, ये झाड़ी वो टाइम पर नहीं थी। हीरोइन यहाँ पर जहाँ पर ये पेड़ से खड़े हैं यहाँ पर होती हैं और पीछे वो किला सा दिखता है जो आप किला देख पा रहे हो। तो अभी हम आपको वो किले को पास से दिखाएंगे जो किला
पीछे दिख रहा है जासमीन जी के, जो उस फिल्म में एक बोल सकते हैं चुड़ैल बनी हुई हैं, जो उस फिल्म में जो एक्ट्रेस ने एक हॉरर हॉरर का रोल किया है, तो उस फिल्म के सीन यहाँ पर हुआ था। दोस्तों मुझे हमेशा से ही डिस्कवरी टाइप और हिस्ट्री बहुत पसंद है, तो मुझे भी मैं भी एक्चुअली वहाँ के करीब तक नहीं गया हूँ, यहाँ मैं बहुत बार आया हुआ हूँ और बहुत वीडियो बनाई है लेकिन वहाँ तक नहीं गया हूँ। तो आज मैं वहाँ पर जाके आपको पास में से वो जगह दिखाऊँगा, वो आज जगह कैसी दिख रही है, उस टाइम के हिसाब से आज कितना बदलाव आ चुका है हम वो देखेंगे। दोस्तों ये साइड में अगर आप देखोगे तो ये है दाना पानी बीच का रोड, जो बस आगे जाके एंड हो जाता है। ये रोड है बीच का, बहुत सारी फिल्मों में ये रोड भी दिखाया गया है। दिखाने वाले हैं इस व्लॉग के अंदर वीराना फिल्म की शूटिंग लोकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये लोकेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम आगे जाएंगे और आपको एक एक पॉइंट दिखाएंगे वीराना फिल्म की वो शूटिंग जहाँ पर हुई थी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि जासमीन जी की ये फिल्म की शूटिंग लोकेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये वही जगह है जहां पर 34 साल पहले जासमीन जी आई थी और यहां पर शूट करके गई थी। हम जगह के करीब में ही जा पा रहे हैं, पहले से इस वजह से नहीं जा पाए, समंदर चढ़ा हुआ था, उतर ही नहीं पा रहा था तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन अभी हम करीब में पहुँच जाएंगे, हमको पूरा भरोसा है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। अब हमको इधर से ही जाना चाहिए कि ऊपर चढ़ के जाना चाहिए इधर, वो समझ में नहीं आया खाली अपने को। ये वही समंदर है जहाँ पर वो लेटी होंगी, जहाँ पर उनके सारे सीन रिकॉर्ड किए गए होंगे। ये वही एरिया है जहाँ पर वो आई होंगी। दोस्तों जिस वक्त वो आई होंगी उस वक्त तो उनको भी नहीं मालूम होगा कि ये वक्त उनका लास्ट है, कि अब के बार वो यहाँ कभी नहीं आएंगी। और यहाँ का क्या दोस्तों, पूरे मुंबई में उनका पता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका पता नहीं कि आज वो कहाँ जा चुकी हैं। फिल्म जो है वो 1988 की है, उस हिसाब से फिल्म को बन के 36 साल हो चुके हैं। नहीं नहीं गलत बोल दिया, 36 साल कैसे हो जाएंगे दोस्तों, उस फिल्म को बन के करीब 12 और 22 कितना होता है, 34 साल बाद मैं आपको वो लोकेशन दिखा रहा हूँ जहाँ पर हीरोइन बैठी हुई गाना गा रही हैं और पीछे ये फोर्ट दिख रहा है। दोस्तों ये जो फोर्ट, ये जो आप किला देख रहे हो, इस किले के दोनों बाजू में दोस्तों दीवार डाल दी गई हैं, लेकिन मैं आपको दीवार के अंदर तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि वो प्राइवेट एरिया हो चुका है, लेकिन ये किला दिखा देता हूँ, वहाँ से शूट किया गया था और ये दिखाया गया था। तो दोस्तों ये जो जगह, ये जो आप किला देख रहे हो, ये वही किला है जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा है। पीछे जो समंदर दिख रहा है ना, उनके पीछे ये समंदर भी लिया गया है। आप देख लो ये समंदर है जो ना जाने कितनी सारी फिल्मों में दिखाया गया है। तो दोस्तों वीराना फिल्म की शूटिंग यहां पर हुई थी, इस जगह पर। दोस्तों और भी बहुत सारी लोकेशन है वीराना फिल्म की, धीरे धीरे करके मैं बनाने वाला हूं। दोस्तों मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि वीराना फिल्म की शूटिंग भी दिखाना, और मैंने उनको कमेंट में किया था कि भाई ज़रूर बताऊंगा, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए बना दूं। दोस्तों जिसकी वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, दोस्तों मुझे टाइम दे, लेकिन आपकी वीडियो भी ज़रूर आएगी। तो दोस्तों वीराना फिल्म के अंदर ये किला दिखाया गया है, ये जो किला आपको दिख रहा है, आप इस जगह को देख सकते हो, ये वही फोर्ट है, ये वही किला है जो अब से 34 साल पहले बनी हुई फिल्म में आप देख चुके हो। दोस्तों 34 साल पहले मैं नहीं था इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिल्म आ चुकी थी और हमारे बड़े उस फिल्मों को देख चुके थे, और हमने भी आके
अपने बचपन में वो फिल्म देखी थी, फिल्म आज भी देख लिया था, आज भी बनाने से पहले देखा था कि भाई लोकेशन कैसी है, कितना बदलाव हो चुका है, तो लोकेशन वही है। दोस्तों अगर ये वीराना फिल्म शूटिंग लोकेशन आपको पसंद आई हो तो आप मुझे यार एक कमेंट करके बोल सकते हो कि फहीम भाई आपकी वीडियो हमें अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आपके लिए और भी कॉन्फिडेंस के साथ एक से एक वीडियो बनाते रहूंगा। गाइज थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो को प्यार दे रहे हैं। दोस्तों प्यार देने वालों की कोई कमी नहीं है मेरे चैनल पर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बहुत प्यार मिल रहा है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये शूटिंग लोकेशन आपको कैसे लगी। लव यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। लव यू गाइज।